हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टन यानी सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज को शॉर्टली एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो अगर बात करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो सुपरमैन यानी क्लार्क केंट एक क्रिप्टोनियन है जिसके वजह से वो पोजेस करता है गॉड लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज एज कम्पेयर टू ह्यूमन। अर्थ पे आने के बाद सुपरमैन के पास और भी कई सारे न्यू पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी और उसके पास इतना ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी कि वो किसी भी ह्यूमन या फिर मेटा ह्यूमन को सरपास कर सकता था और इसी वजह से वो बन जाता है जस्टिस लीग का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर। अगर बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ के बारे में, तो सुपरमैन के पास है वास्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सुपरमैन पोजेस करता है इमेंस स्ट्रेंथ जो कि वर्चुअली इनकैलकुलेबल है, यानी आप कह सकते हो सुपरमैन की स्ट्रेंथ लिटरली लिमिटलेस है। जैसा कि हमने मूवीज पर देखा था कि वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स को बहुत ही ज्यादा लो एफर्ट से ही लिफ्ट कर सकता है। उसने स्टेपेनोफ जैसे पावरफुल बींग को बहुत ही आराम से ओवर पावर कर दिया था। और अगर यहाँ पर हम सुपरमैन की स्ट्रेंथ की एग्जांपल कॉमिक्स से ले, तो उसने एक बार 200 क्विंटिलियन टन्स ऑफ वेट को अपनी एक हाथ से उठा लिया था। सिर्फ यही नहीं, उसने पूरे अर्थ की वेट को बेंच प्रेस किया था, वो भी 5 दिनों तक। उसने एक बार एक ब्लैक होल को होल्ड किया था, वो भी अपने हाथों से। इसके अलावा हमने मूवीज पर देखा था कि वो डूम्सडे जैसे पावरफुल बींग को अपने हाथों से पकड़ के अर्थ से बाहर ले गया था। तो यहाँ से ही पता लगा सकते हैं आप लोग कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। सुपरमैन की स्पीड बहुत ही ज्यादा इनहेंस्ड है। वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, कई बार तो उसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर लिया था। सुपरमैन के पास है 9 वल्नरेबिलिटी। सुपरमैन की बॉडी वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इसी वजह से वो स्टैंड कर सकता है एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, लार्ज एक्सप्लोजन एंड आउटर स्पेस में भी। ग्रेट हाइट फॉल डैमेज से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुलेट्स, ग्रेनेड्स, टैंक मिसाइल्स एंड एक्सप्लोजन टाइप वेपन से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियर। यानी ह्यूमन मेड वेपन्स उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते सिवाय न्यूक्लियर के। लेकिन न्यूक्लियर से भी उसे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मूवी पर हमने देखा था कि न्यूक्लियर खाने के बाद भी जब भी वो सन के कॉन्टेक्ट में आ गया था, तब वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। इसके अलावा हम लोग जैक स्नाइडर वाले जस्टिस लीग से सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्टेपेनोफ ने जब अपनी इलेक्ट्रो एक्स को यूज करके मैसिव फोर्स से साइबर के ऊपर अटैक किया था, वो अटैक साइबर के ऊपर लगने से पहले ही सुपरमैन ने अपनी शोल्डर पे ले लिया था, वो भी बिना कोई डैमेज के। सुपरमैन के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो किसी भी वुंड से बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर सुपरमैन यूलो सन की कॉन्टेक्ट में हो, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। सुपरमैन पूरे तरीके से इम्यून है किसी भी टाइप की अर्थली डिजीज या फिर टॉक्सिन से। सुपरमैन एज नहीं करता है और वो नेचुरल कॉजेज से मरने वाला भी नहीं है। सुपरमैन के पास है सिचुएशन एडॉप्शन की एबिलिटी। वो किसी भी एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होकर लड़ सकता है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। वो बिना खाए, बिना सोए, बिना रोके बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी एनिमीज से लड़ सकता है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन सेंस एंड रिफ्लेक्सेस। वो नियरली लाइट की स्पीड से अपनी ओपोनेंट की किसी भी अटैक्स को डॉच कर सकता है। सिर्फ वे ही नहीं, वो इतना स्पीड से अपनी ओपोनेंट के ऊपर अटैक्स भी कर सकता है। सुपरमैन के पास और भी कई सारे एबिलिटीज है, जैसे कि एक्सरे विजन, इनहेंस्ड हियरिंग, सुपर ह्यूमन विजन, फोटोकॉपीड मेमोरी, कोल्ड ब्रीथ जिससे वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर सकता है जैसे कि उसने स्टेपेनोल की वेपन के साथ किया था, हीट विजन जिससे वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर मेटल को मेल्ट कर सकता है यानी पिघला सकता है। इसके अलावा सुपरमैन के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अगर बात करें सुपरमैन की वीकनेसेस के बारे में, तो सुपरमैन की बेसिकली दो वीकनेसेस है, एक है क्रिप्टोनाइट और दूसरा है मैजिक। क्रिप्टोनाइट की कॉन्टेक्ट में आने से सुपरमैन बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाता है। सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी उसके पास मैजिक से रिलेटेड कोई भी काउंटर पार्ट नहीं है। तो ये तो था द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टन यानी सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज की एक शॉर्ट एक्सप्लेन। तो ये वीडियो यही तक था। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।